शाबान खैर से वापस आ जाएगा ना, फिर जिस टोन में मैं तुमसे बात करूंगा तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। सारी जिंदगी से बर्दाश्त कर रही हूँ इस टोन को मैं। कोर्ट में मेरा प्लान स्पिल ना हो जाए, केस मुखालिफ पार्टी के फेवर में चला जाए। एक बात यकीनी होनी चाहिए, वो बच्चा किसी सूरत में बचना नहीं चाहिए। अभी तो शुरुआत से, अभी उसको बड़े बड़े मुजरिमों की जेल में रहना पड़ेगा, एक एक पल उसका अजियत में कट। सर वो अबान केस से मुतालिक जो ड्रग केस है उसको। राबिया तुम जानती हो कॉल कहाँ से आई है? तुम उस जगह पे ड्रग टेस्ट नहीं कर सकती, वो स्कूल है। सर लेकिन हमारी फ्यूचर जनरेशन का मामला है। मैं जानती हूँ कि उस लड़के के बाप का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन बाकी बच्चे अवाम के। क्या हम पे अवाम की कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनकी प्रोटेक्शन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जानता हूँ राबिया, लेकिन सिस्टम के अंदर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सर ये वर्दी मैंने सिस्टम को खुश करने के लिए नहीं पहनी है, बल्कि इसलिए पहनी है ताकि मैं रात को सुकून की नींद सो सकूं। पिछली दो रातों से मुझे वो नींद नहीं आ रही है। राबिया मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये एक्शन लेने से क्या असरात होंगे तुम जानती हो? कैसे हैंडल कर पाऊंगा मैं? सर अगर बात सिर्फ रिपरकशंस की है तो वो मैं संभाल लूंगी, आप बस एक बार मुझे ये करने दें, फिर मैं ये केस एक आम आवाम की आम सिविलियन बन के लड़ूंगी। तब तो मेरे हाथ बंधे में नहीं होंगे ना सर। ओके देन गो अहेड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। राबिया एहतियात से, आई विल ट्राई माय बेस्ट, मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। आई नो यू विल सर, आई नो। ए अजान, बेल हो गई अबान की? तुम लोगों के पास कुछ और नहीं होता बात करने को? पता नहीं कितना परेशान है। यार मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। क्यों पूछ रहे थे अबान के बारे में मुझसे? यार हम सब उसके बारे में कंसर्न्ड हैं, जब भी पूछ रहे थे। छोड़, कंसर्न्ड है भाई, कंसर्न्ड है। सोशल मीडिया पे पेज बना रहा हूँ अबान के लिए, करोगे हेल्प मेरी? यस श्योर, व्हाई नॉट। और स्कूल के ड्रग्स वाले केस? अजान ये केस इस साल के लिए हम पे बहुत भारी पड़ सकता है। फिर ना होना कंसर्न। अजान जान भी करे हम फिदा, दिल में खलश सी
मुझसे मत डरो, मैं उन जैसा नहीं। कत्ल किया? नहीं। फिर? एक्सीडेंट था। ये एक्सीडेंट को कोई नहीं मानता। तुम क्यों आए यहाँ पे? पाप नहीं था, माँ और बहन थी। ट्रक्स बेचने पे लग गया। क्या हुआ? ट्रक्स करता था? यहाँ चाहिए? पक्का? तुम यहाँ कैसे करते हो? कोई पकड़ता नहीं है? अबे पकड़े हुए को और क्या पकड़ेंगे हैं? इनसे बच के रहना। ये जो राजू है यहाँ का दादा है। प्रिंस से उलझने की कोई जरूरत नहीं है, और ये कभी भी कोई भी काम बोले तो खामोशी से कर ले। क्या कहते ये लोग? किसी भी काम का? दरअसल ये जेल वालों के बहुत करीब है। जेल वाले भी इनके खिलाफ कुछ करते ही नहीं। ठीक है, बस नाम क्या तुम्हारा? जुनैद। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं तो मुझे बता देना, अगर घर बात करनी हो तो भी। फोन है तुम्हारे पास? आहिस्ता। जुनैद के पास सब कुछ है, टेंशन नॉट। सही है। What? मामा आजान, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटा? पानी, पानी पियो। कुछ नहीं हुआ, बस बुरा ख्वाब देखा होगा ना। ख्वाब होगा ना? Thank you.
कुछ नहीं हुआ, बस बुरा ख्वाब देखा होगा। ख्वाब नहीं था, ख्वाब ही था। परेशान हो गई, क्या हो गया? क्या हो गया? अभी नहीं, क्या हो गया? अभी तो सब कुछ बंद होगा ना, सुबह लेके जाऊंगी अबांस मिलवाने। मेरा बेटा, बहुत देर हो जाएगी मामा। अच्छा शाबाश, तुम लेटो, अभी लेटो। लेटो Change the days. Why do we need to have classes every day? No, तो आज जो है वो आप specifically Friday पर रख लीजिए please. ठीक है? So give me the revised version then soon. Thank you. हाँ जान, बैठो. जी मैम. Do you understand the amount of pressure I am because of you people? I'm sorry, I don't understand. तो तुम्हें नहीं पता, दो इंसिडेंट्स हुए हैं स्कूल में, एक स्कूल के बाहर थैंक गॉड और एक स्कूल के अंदर। मेरे लिए स्कूल की रेपुटेशन को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसी वजह से मुझे वीर को सस्पेंड करना पड़ा। पुलिस की इंक्वायरीज अलग चल रही हैं, पेरेंट्स के प्रेशर को अलग बर्दाश्त करना पड़ रहा है मुझे। देखो अजान, आई अंडरस्टैंड यू वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। हालांकि मुझ पे बहुत प्रेशर था कि मैं आपकी फैमिली में से किसी भी बच्चे को स्कूल में ना रखूं, बट आई कैन नॉट रून एनीवनस फ्यूचर। सो स्कूल की तरफ से तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप की जो रिक्विजिशन गई थी ना, उसका अप्रूवल आ गया। Really? तुम ये गुड न्यूज आके अपने पेरेंट्स को सुना सकते। अजान, आई अंडरस्टैंड कि अबान का केस अभी चल रहा है और तुम्हें मैंने बुलाया इसीलिए है कि चीजें चलती रहती, बट मेरा सिंसियर एडवाइस ये होगा कि डू नॉट मिस दिस चांस। हजारों बच्चों में से एक बच्चे को मिलता है ये चांस, और वैसे भी तुम्हारे फादर की यही ख्वाहिश है ना कि तुम बाहर जाके पढ़ो। Ma'am, if you don't mind, can I say something? Sure. Ma'am, mera bhai innocent hai. Kabhi bhi uska koi case hua aisa ladne ka, kisi ko marne ka,
कभी गुस्सा आया तो मेरे भी उतारा उसने। I just wanted to ask, isn't there anything you can do to help him? देखो, I understand your feelings and I respect your sentiments for your brother, लेकिन उमर भी इसी स्कूल का स्टूडेंट था और मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। Understand, ma'am, but with all due respect, उमर स्टूडेंट के साथ साथ एक बहुत ही influential इंसान का बेटा भी था। मेरा भाई, we belong to a very simple family. I think that's why nothing's going in our favor. But ma'am, merit पे तो कुछ नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता ना तो तुम्हारे पास ये स्कॉलरशिप की अप्रूवल जो है वो नहीं आई होती। ऐसी बात नहीं है आजान, बहुत सारी चीजें हैं जो स्कूल की रेपुटेशन की वजह से मैं तुमसे डिस्कस नहीं कर सकती, और वैसे भी इस इंस्टीट्यूशन के साथ बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर वाबस्ता है। हेंस मेरी एडवाइस तुम्हारे लिए होगी, फोकस ऑन योर सेल्फ फॉर नाउ, ठीक है? थैंक यू। मैम, क्या सीसीटीवी वाकई खराब था उस दिन? हाँ बिल्कुल। अब इसकी तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? स्टेबल है, दम घुटने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन बर वक्त ऑक्सीजन दी तो जान बची। जो शख्स वहां ड्यूटी पे था उससे कहें कि सुबह मुझे ऑफिस में रिपोर्ट करें और पता लगाएं कि ये किसकी हरकत है। राइट सर। और ना ही इस वाकई की इतला जेल से बाहर किसी को होगी। नो विजिटर, नो प्रेस, ठीक है? जी सर, ऐसा ही होगा। सामने कौन? हे चैंप, कैसे? हाँ, सुबह सुबह। क्यों? अब आप मेरी औलाद नहीं है? मैंने तो नहीं कहा। माँ बाबा प्लीज, या नहीं ना मेरा बच्चा, डरते थोड़ी है, बहादुर बनते हैं, अल्लाह सब ठीक कर देंगे। जी फिर हम मिले उसे? नहीं, आप लोग उससे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते हम? प्लीज, क्यों नहीं मिल सकते? मैंने कहा ना, आप लोगों की अभी उससे मुलाकात नहीं हो सकती। इस वजह तो पता लगे। बाकी के पेरेंट्स को तो मिलने दे रहे, क्यों नहीं मिलने दे रहे हमें? देखिए, मैंने आप लोगों से कहा ना, आप जाइए और मुलाकात के लिए अगले हफ्ते आइए। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं अपने बच्चे से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। मैडम, ये जेल है और हम ऊपर वालों के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, यहाँ किसी और का हुक्म नहीं चलता। आप लोग जाइए और अगले हफ्ते आज मिलने आइएगा। ठीक है, फिर हम वेट करेंगे। देखिए, अगर आपको वेट करना है तो जेल के गेट के बाहर बैठकर वेट कीजिए, यहाँ नहीं।
हेलो हाय आई एम सॉरी मैं ऐसे ही बगैर बताए आ गई आपको नहीं नहीं अब तो हमारी इतनी दोस्ती हो गई कि इनफॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है है ना आई गेस इसीलिए आ गई चाय कॉफी नहीं नहीं कुछ नहीं थैंक यू सो मच मैं ये पूछने आई थी कि वो अबान अब रिमांड होम में चले जाएगा मगर उसके बाद क्या खदीजा बहुत टेंशन में है मेरी भी फ्लाइट शुरू हो गई है कब तक ऑफ लूंगी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप खदीजा को कहें कि मुझे डायरेक्टली फोन कर लें उनके पास है ना मेरा नंबर या ओके खैर ऑसिफिकेशन टेस्ट हो गया वो उनका लॉयर करवा रहा है थैंक यू सो मच अरसलान फॉर एवरीथिंग शुक्र है आप ये अरसलान साहब से तो बाहर निकली क्यों नहीं आखिर आप थोड़े से छोटे हैं मुझसे नहीं तो उम्र में बड़े छोटे होने से क्या होता है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक्सक्यूज मी हेलो हाँ खदीजा क्या क्यों नहीं मिलने दे रहे व्हाट तुम्हें कोई शक हो रहा है आई डोंट केयर कि वो वहां पर है मौजूद या नहीं मैं आ रही हूं उनसे मिलने ओके ओके मैं आ रही हूं क्या हुआ खदीजा कह रही है कि वो जेल वाले अबान से मिलने ही नहीं दे रहे और उसको ना कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है कुछ गड़बड़ लग रही है ओह I think you should take this seriously. ये कोई 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 problem वाली बात हो सकती है तब मेरा ख्याल है हाँ है ना मैं जा रही हूँ yeah. Thanks bye. Reports रात तक आ जाएंगी जिस पे चोट के निशान हैं पिछले डेढ़ साल में तीसरा केस है बात यह है कि कोई जबान खोलने पर तैयार नहीं मुन्ना तुम इन सबकी चमड़ी उधेड़ के रख दो सीसीटीवी कब लग रहे रिक्वेस्ट दी हुई है वही डिपार्टमेंट के पुराने मसले बजट नहीं है वो ठीक है सर लेकिन रिपोर्ट में क्या लिखे हैं लड़ाई की रिपोर्ट बना दें लिख दें कि चोटें लड़ाई में लगी हैं फरीदा अंदाजा है आप किसके बेटे के साथ पूछताछ कर रही हैं आप एंड यू लेट इट हैपन सर वो वर्दी में थी उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स थे सारे स्टूडेंट्स के मां बाप आएंगे Not happening. This is not happening. ये हमारे डोनर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं. Do you have any idea how upset they will be? Sir, वो मैं damages fix करने की कोशिश कर रही हूँ. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ड्रग्स हुए हैं स्कूल में और बच्चों ने खुद एडमिट भी किया है और बिलाल का नाम भी आया है आप यहाँ की प्रिंसिपल हैं या उनकी लॉयर एक तरफ पुलिस दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया हमारे स्कूल के नाम से भरा पड़ा हुआ है सर मैं स्कूल कंट्रोल कर सकती हूँ लेकिन सोशल मीडिया पे कंट्रोल नहीं है मेरा रियली स्कूल अभी कंट्रोल में है
और बच्चे वो आपके कंट्रोल में हैं। अजान नाम है ना उसका, अबान के बड़े भाई का। सोशल पेजेस चेक किए आपने जो अजान ने बनाए हैं? आई एम गेसिंग नो। यू सी यू नॉट इन कंट्रोल। फरीदा दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आप अजान को यहां बुलाएंगी और उससे कहेंगी कि उन पेजेस से स्कूल का नाम निकाले। Otherwise, हम उसको स्कूल से निकाल देंगे along with all those students who are helping him. सर ये नहीं हो सकता, सिर्फ दो महीने रह गए उनकी पढ़ाई के, उसके बाद A-levels के exams हैं। Well, good, good. They need to value their future. And frankly speaking, मैं चाहूंगा आप भी अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट करें। जो जॉब आपकी चल रही है ना यहां पे, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लेट हस्बैंड। जी बोलिए। सर वो अबान से मिलना, मैंने आपको बताया था कि आज मुलाकात पॉसिबल नहीं है, आप फिर भी इनको लेके आ गए। प्लीज एसपी साहब, देखिए छोटा सा बच्चा है, वालदैन हम परेशान हैं उसके लिए, प्लीज। जावेद साहब आपका बच्चा जेल में सजा के तौर पे, और वो भी कत्ल जैसे संगीन जुर्म है। वैसे मैं आपको ये बात बता दूं, वो इतना भी बच्चा नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं। सर ऐसे ना बोले, After all, मेरा भाई है and I can assure you ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना। सर प्लीज देखिए, वालदैन बहुत परेशान है, काफी दिनों से इन्होंने देखा नहीं उसे, आप मेहरबानी करें प्लीज। सॉरी मुलाकात मुमकिन नहीं। वैसे आपको पता है कि उसने जेल में क्या किया है? क्या क्या किया है? अपने से 2 फीट बड़े लड़के के साथ मारपीट की है, डंडों से सर फाड़ा है उसका। और वकील साहब आप तो जानते हैं जेल के लड़के गुस्से के कितने तेज होते हैं, उन्होंने उसे मारा है, इस वक्त वो जेल के अस्पताल में है। मेरा बेटा ठीक तो है? सर प्लीज हमें मिलने दें। आप लोग फिर वही बात कर रहे हैं, शकल से आप लोग पढ़े लिखे लगते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे रहा हूं, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वैसे भी ये कानून की किस किताब में लिखा है कि जब जिसका दिल चाहे कैदी से आके मिल ले? सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, आप देखे ना यहाँ हर काम कानून के मुताबिक तो होता नहीं, आप प्लीज अगर इजाजत देंगे तो ये लोग मिल लेंगे। प्लीज सर प्लीज प्लीज एसपी साहब, देखिए ये जो आपने बताया इसके बाद तो मिलना बहुत जरूरी हो गया है, थोड़ी देर के लिए मिलने दें फिर हम चले जाएंगे, उसको मैं समझाऊंगा। प्लीज कि भी बच्चे होंगे, आपको अंदाजा होगा वालदैन हमारे दिल पे क्या बीत रही है, इंसानियत के तौर पे। ठीक है लेकिन मुख्तसर मुलाकात कीजिएगा। देखो अबान के वालदैन आ रहे हैं, इनकी मुलाकात करा दो, जाइए आप लोग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज था। बस आप लोग जाएं, वो आपको मिलवा देंगे। मुझे डर है कहीं ये अबान के ऊपर कोई और केस ना डाल दें, इसलिए मुझे ज़रा बात करनी पड़ेगी। थैंक यू। मामा बाबा आपके पास है, आपके साथ है। अजान भाई किरो, वान भाई से तो बात करो। ए, जब नो डिफिकल्ट है यार, बट देखो ना ये स्कूल है ना घर, टफ एनवायरनमेंट, बड़े बड़े लोग इन बिग बॉयज, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू टफन अप। ओके, अभी तो ऐसी बातें ना करें, इसके भले के लिए कर रहा हूं। How else will he survive? You hang in there.
अभी मैं यहाँ खड़ा देख रहा था, एक माँ बच्चे को हाथ पकड़ के लेके चल रही थी, उनकी बेहतरी के लिए। और मुझे यही ख्याल आ रहा कि ये कंट्रोल चाहिए होता है माँ का बच्चों पे। और जब मैं एक बाप होते हुए तुम्हें बता रहा था कि घर में क्या करना है क्या नहीं करना है, मसरूफ था मैं, काम कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब वही होगा जो मैं कहूंगा। दो घंटे से बाहर खड़े हुए तुम लोग का इंतजार कर रहे थे, शायद ये बकवास सुनने के लिए। जाके अंदर आ जाती। कैसे आती? वो पुलिस वाला कह रहा था कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, बाहर ही खड़ी रहे। अच्छा चलो, मेरी गाड़ी उधर खड़ी हुई। चले मामा। फिरोजा भी, अबान वापस कब आएगा? मेरे बच्चा अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द वापस आएगा। फिरोजा भी, मम्मा कॉल्स भी नहीं उठा रही, जो बहुत डर लग रहा है। ना मेरा बच्चा, डरते थोड़ी है, बहादुर बनते हैं, अल्लाह सब ठीक कर देंगे। मैंने दुआ भी मांगी अबान के लिए, लेकिन अल्लाह मियां नहीं सुन रहे। बहुत बड़ी बहन हो ना, जो मैंने झूठ बोले कि सजा अबान को मिल रही है। आ मेरा बच्चा, उसकी जात अस्तग़फ़ुर रहीम है, अपने बंदों को सजा नहीं देता बल्कि इम्तिहान में डालता है। कि क्यों? अल्लाह के जो खास बंदे होते हैं ना, उन्हीं को वो इम्तिहान में भी डालता है ताकि वो सीख सके, और जो उसकी जात को नापसंद हो वो सीखने का मौका ही नहीं देता। तो क्या इस इम्तिहान के बाद सब ठीक हो जाएगा? इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा बाबा भी।